सिद्धि बुद्धि सहिता श्री मन महागणाधिपते नमः भागवते जैसे चावल फूल लेंगे और जिनके पास चावल फूल हैं। देसी महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। आज अंतिम दिवस पर यहाँ पर भंडारा व कथा का आयोजन किया गया। आज हमारे बीच कथा वक्ता पवन गौतम जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानना चाहते हैं कि कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है। हिमाचल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, आपका शुभ नाम। मेरा नाम पवन गौतम। जैसे कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है भागवत कथा का? श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य यही है कि जन जन में श्री कृष्ण के नाम का, राधा रानी के नाम का प्रचार प्रसार हो और इस कल काल में ये श्रीमद् भागवत कथा कल्प वृक्ष है। विद्यार्थी लौते विद्या, धनार्थी लौते धनम, पुत्रार्थी लौते पुत्रान, मोक्षार्थी लौते होते हैं। बहुत से बच्चे लोग जो होते हैं उनका मन शिक्षा पढ़ाई में नहीं लगता, तो वो यदि संकल्प लेकर के भगवान की कथा को सुने तो उनको सर्वविद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार धुंधकारी जैसा एक प्रेत मुक्त होकर के अंत में भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर जाता है, तो हम तो जीते जानते शरीर हैं, ये चंद शब्द जो है हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं, यही एक उद्देश्य है। और जन जन तक प्रचार प्रसार होना चाहिए और मैं आपके हिमाचल एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा आपने जो है ये कार्य रखा, क्योंकि धर्म के प्रति मैं देखता हूँ आजकल जो और भी संसार में जो चैनल है, न्यूज चैनल वगैरह, जो व्यर्थ की बातों पर विशेष फोकस करते हैं, धर्म की चर्चा को जो लोग आगे बढ़ाते हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धर्म की चर्चाएं बढ़ाएंगे हम लोग, आप लोग, तो शायद हमारे देश का कल्याण होगा और यही हमारे जीवन का सार है। महाराज जी, जैसे हिमाचल एक्सप्रेस के माध्यम से आप लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि सभी माताएं बहन श्रद्धा से, भाई बंधु माताएं अपने परिवार को लेकर के आएँ, उनके जब भी समय मिले पतियों को लेकर के आएँ और भगवान की कथा स्मरण करें। जैसे मारे मेरा प्रश्न रहेगा आपसे कि जैसे आजकल के नौजवान युवा वो इस धर्म से पिछड़ रहे हैं, ये इसका मुख्य कारण आप क्या मान सकते हैं? मैं इसका मुख्य कारण यही मान सकता हूँ कि थोड़ा सा माता पिताओं को और गुरुओं की शरण का जो भाव हमारे संस्कृति देश में पहले बहुत रहा है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी ये माना है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाथ माता। आज हमें बच्चों को फ़ोन देने की अपेक्षा तो हमें थोड़ा सा उनको समय देना चाहिए, उनके साथ बैठ करके हमें थोड़ा सा अपना समय व्यतीत करना चाहिए, देखना भी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं किस को बजा रहे हैं। ये भाव हिमाचल न्यूज के माध्यम से बाकी सब लोगों का स्वागत है, भगवान की कथा पर रहेगा सभी लोग।